स्टेट दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से रहता ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा, द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट वो है डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा गिवन है रेडियो एक्टिव सैंपल का, एंड हमको हाफ लाइफ निकालनी है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ, इज द अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स, टाइम इट टेक्स, टाइम इट टेक्स फॉर फॉर हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ इट टू डीके, टू डीके दैट्स कॉल्ड अ हाफ लाइफ। एंड हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, इसको हम डिनोट कर देते हैं टी हाफ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू एल एन टू बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या है हमारे पास, डीके कांस्टेंट, ये वो हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब हमारे ध्यान देखते हैं एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। मीन लाइफ, तो मीन लाइफ क्या होता है, द एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, द मीन लाइफ, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, सैंपल इज द एस्टिमेट, सैंपल इज द एस्टिमेट, एस्टिमेट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड अ मीन लाइफ। एंड मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है हमारा, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वन बाय लैम्डा। मीन्स लैम्डा क्या है हमारा, डिके कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन है हमारे पास की हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ है हमारे पास लॉग एन टू, एंड मीन लाइफ है हमारे पास वन बाय लैम्डा, जो कि ऑप्शन बी के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।